एडिंग खुद कीजिए। द पोजिशन ऑफ टॉप्स, द पोजिशन ऑफ टॉप्स। अब फर्स्ट थिंग बच्चा, इसका यूज कब करते हैं, है ना? यदि आप देख रहे हैं कि सपोजिशन ऑफ टर्म्स बच्चा कब किया जाता है, जब बच्चा आपको एपी में टर्म दी जाती है ना, हेडिंग क्या है देखिए, सपोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ टर्म्स। देखो नॉर्मली बच्चा आप टर्म्स मान सकते हैं कि कोई भी एपी आपको रेंडम प्रोवाइड की जाए तो आप टर्म बच्चा ले लेते हो, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री, है ना? पर यदि एपीज के क्वेश्चंस में बच्चा आपको सम दे देते तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को बच्चा ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कट हो जाता है और आपको डायरेक्ट बच्चे ए की वैल्यू मिल जाती है ना? तो जब आपको दी जाएगी, देखो सपोज आपको दिया गया है कि आपको एपी में थ्री नंबर्स को सेलेक्ट करना, कितने नंबर्स को बच्चे सेलेक्ट करना है, थ्री नंबर्स को। तो देखो उन्हें बच्चे क्या आप मानते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फोर थ्री टर्म्स, फोर थ्री टर्म्स। तो कभी भी आपको बच्चा थ्री टर्म्स को सेलेक्ट करना होगा और क्वेश्चन में आपको यदि सम दिया होगा कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इज इक्वल टू दिस, देन आप टर्म्स को बच्चा ऐसे मारेंगे, फर्स्ट टर्म से ए माइनस टी, सेकेंड वन ए, ए प्लस। आपको दिख रहा है देखो इन सबको यदि मैं ऐड करूंगी तो डी आपका कट हो जाएगा, तो आपको थ्री ए इज इक्वल टू बच्चा समथिंग मिल जाएगा, जिससे आपको डायरेक्टली क्या होगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो आपको थ्री टर्म्स आपको बच्चा सेलेक्ट करने के लिए दी जाती है, तो हम लोग लेते हैं ए माइनस टी, ए ए प्लस। यही भी बच्चे आपको दे दे फोर फोर टर्म्स। तो फोर टर्म्स में देखिए यहाँ पे बच्चे कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंसेस डी। यहाँ पे देखिए जरा, जब फोर टर्म्स बच्चे सेलेक्ट की जाती है तो आपकी ऐसी मानी जाती है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टी, ए प्लस टी, ए प्लस थ्री डी, है ना? देखो ऐड करो, ऐड बच्चे करोगे तो थ्री डी कैंसिल एंड डी डी कैंसिल, आपको फोर इज इक्वल टू समथिंग मिलता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताइए जरा, कॉमन डिफरेंस बच्चे क्या है यहाँ पे, डी है या क्या है? कॉमन डिफरेंस बच्चे कितना है यहाँ पे बोलो, टू डी डी होगा, टू डी। यहाँ पे बच्चे कॉमन डिफरेंस टू डी दिया गया है ना? क्योंकि देखो जरा, जब आप इन्हें ऐड बच्चे कर रहे होंगे या आप माइनस करके देखो जरा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो टू डी आए, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बच्चा टू डी लिया गया, इसमें टू डी ऐड करो ये आएगा, इसमें बच्चा टू डी ऐड करो ये आएगा, तो टू डी ऐड करो ये, तो फोर टर्म्स को ऐसे माना जाता है। यदि आपको अच्छा फाइव टर्म्स दिया जाए तो सिमिलरली ऊपर वाले की तरह मानी जाएगी, मिडिल में ए आएगा, ए माइनस टी, ए प्लस टी, है ना? ए प्लस बच्चा टू डी और इधर ए माइनस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका डी है। सिक्स टर्म्स को बच्चा बोले तो ऐसे आएगा, इवन वाली टर्म्स बच्चा ऐसे ही मानी है, जैसे मैंने फोर्थ टर्म मानी है ना, तो यहाँ पे मिडिल में बच्चा ये आएगा और फिर आप टू टू का डिफरेंस लेते हो, चलो देखो ए प्लस फाइव एंड हियर इट इज ए माइनस थ्री डी, ए माइनस, ठीक है? ऐसे आप सिक्स टर्म को बच्चा, सेवन को, एट को, ऐसे सेलेक्ट कर सकते, वहां तक नहीं जाते, फोर फाइव टर्म तक बच्चा क्वेश्चन आता, ठीक है? पहले ही बताइए क्लियर है क्या, क्यों मान रहे हैं? इसलिए मुझे मान रहे हैं कि ऐड करने के बाद देखो हर किसी में मुझे डी कैंसिल हो जाए, क्लियर यस मैम। है? अब देखो कैसे क्वेश्चन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आप करेंगे। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, तो कॉपी हो गया है क्या? नो मैम, वन मिनट, ओके कॉपी कर। देन चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड फोर टर्म्स इन एपी, फाइंड
terms in AP whose sum is 20, and the sum of whose square is 120. ठीक है, अब बच्चे देखो सम दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेक्शन ऑफ टर्म बच्चे देखा है हमने, उसी टाइप के टर्म्स को मान लेते हैं। उसे क्या होगा कि आपका बच्चा डी डी कैंसिल हो जाए, है ना। तो हमने क्या किया, आपको बच्चा कितना टर्म सेलेक्ट करना है, टू। तो हम ले लेते हैं, लेट फोर टर्म्स बी, फोर टर्म्स बी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी ठीक है, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री। अब गिवन बच्चे क्या है आपके पास, गिवन में आपको दिया है कि फर्स्ट फोर टर्म का बच्चा जो सम है, जो फोर टर्म्स का सम दिया है वो आपका 20, मीन्स ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू बच्चा 20, है ना। और क्या दिए गिवन है कि इनके बच्चा स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, बच्चा थ्री डी से कैंसिल, डी डी से कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल गया है 4a इज इक्वल टू 2, इट मीन्स बच्चा a इज इक्वल टू कितना 5। तो देखिए आपको बच्चा फर्स्ट इक्वेशन से ही a की वैल्यू आपको मिल गई है, तो a आपके पास है, तो a बच्चा मिल गया है, तो a को आप पुट कर सकते हैं किसमें, यहाँ पे बच्चा पुट कर सकते हैं, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए जरा, 5 माइनस 3d² प्लस 5 माइनस d² प्लस 5 प्लस d² प्लस 5 प्लस 3d² इज इक्वल टू 120। होल स्क्वायर बच्चे जब फॉर्मूला ओपन होगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 9d² माइनस 5 3 15, 15 2 30, 30d। हियर इट इज 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, 25 प्लस d² प्लस 10d एंड 25 प्लस 9d² प्लस बचा कितना 30 इज इक्वल टू बचा 120। देखिए फिर से बचे यहाँ पे, ये 30d 10d 10d 30d, ये आपस में बचे कैंसिल, तो रिमेनिंग में कितना है बचा आपके पास, 25 25 25 25, कितना हो गया 100 प्लस। अब देखिए बच्चा 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे, 18 19 20 स्क्वायर इज इक्वल बच्चा 120, है ना। अब चाहे बच्चे इसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये ऐसे लिख दे आप बच्चा 20d² इज इक्वल टू कितना 20, डिवाइड बच्चे करने की जरूरत भी नहीं है, किसी कॉमन लेके डिवाइड नहीं करो, सिंपली आप इधर लेके आओ 20 आ रहा है, तो d² इज इक्वल टू बच्चा 12, डी आपको मिल गया प्लस माइनस डी बचा आपको मिल गया प्लस माइनस 1। अब देखिए जरा डी को बचा आप मान लेंगे यदि, तो आपकी टर्म्स कितनी आएंगी, आपका कितना टर्म था 5 माइनस 3d, मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3, सो हियर टर्म्स आर 2 4 6 8। डी को बचा आप प्लस 1 सेलेक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 5 माइनस माइनस प्लस बचा, है ना, क्योंकि नेगेटिव 1 है, 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस, सो टर्म्स आर 8 6 4 2। देखो जरा बच्चा क्लियर है, यस मैम, यस यस मैम, तो कॉपी बच्चे कर लो। मैम स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ठीक
यस मैम डन। ओके नेक्स्ट पे चले गए। क्वेश्चन उसे गिवन है आपसे। थ्री नंबर्स आर इन इफ देयर सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज सिक्स 48 फाइंड धनम फाइन भी तो बताएंगे। सिमिलर टाइप का देखो क्वेश्चन है। शाम को बच्चे क्या लेंगे? ए ए माइनस टी ए प्लस टी। आपको बच्चे सम गिवन है और बच्चे प्रोडक्ट आपको गिवन है। अच्छा आंसर बताइए फाइन करके। मैम 12 9 एंड 6 और 6 9 एंड 12। ओके 12 9 6 या 6 9 बाकी सब अच्छा सम गिवन है। देखो आपको क्या गिवन है प्लीज कि ए माइनस टी प्लस ए प्लस ए प्लस टी ऐसे कोल्ड बच्चे प्लीज। एंड सेकंड थिंग मुझे आपको पता है इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब ए माइनस टी ए ए प्लस डी इज इक्वल टू बच्चा 6। तो पहले यहाँ पे देखो यूज करो आपको पता है बच्चा डी डी कैंसिल हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 27 मीन्स ए इज इक्वल टू बच्चा 9। यस मैम। 27 होता है यहाँ पे देखिए हो गया 9 माइनस टी 9 9 प्लस डी इज इक्वल टू बच्चा 6 है ना। 9 से मुझे डिवाइड कर लूँ इट इज इक्वल टू ए माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अच्छा हो जाएगा तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 648 डिवाइडेड बाय 9 है ना। 9 7 से बच्चा 63 होता है और 2 से आपका 18 होता है तो आपके पास है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा 70। इट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 70 विच इज इक्वल टू बच्चा 9 तो डी आ गया आपका प्लस माइनस 3। डी कितना आ गया बच्चा प्लस माइनस 3। साक्षी वेरी गुड। तो यदि बच्चा आप प्लस 3 लेते हैं सपोज तो टर्म्स आएंगी आपकी कितना 9 माइनस 3 9 9 प्लस तो कितना आएगा 6 9 12। यदि आप डी को माइनस 3 बच्चा लोगे तो 9 प्लस 3 9 9 माइनस 3 तो टर्म्स बच्चे आ जाएंगे आपके 12 9।
मुझे क्लियर है सब मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मुझे बोलिए मैम, यस। मैम हमारे इसके दो वैल्यू आ रहे हैं, एक माइनस में आ रहे हैं और एक प्लस में है। तो हाँ मैम अगर हम दोनों में से किसी एक में से भी करें तो सही होगा ना हमारा? हाँ बच्चा करे सभी को करेक्ट होगा, क्योंकि आपका देखो वो है ना नंबर्स फाइंड करो, नंबर्स तो ये है यहाँ पर बच्चा सेम नंबर है, बस ये इंक्रीजिंग एपी है, एपी है या आपका डिक्रीजिंग एपी। अच्छा हाँ ये इंक्रीजिंग है बच्चा, डिक्रीजिंग है, दोनों से बच्चे टर्म सेम ही आएंगे, एक इंक्रीज करती होगी सेम टर्म्स के साथ, एक बच्चा डिक्रीज करती हुई आएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, और बच्चे टर्म्स प्रिफर तभी करना मानना जो आपको सम दे देता है ना, क्योंकि बच्चे सम ही यूजफुल है। देखो सम नहीं दिया होता, सपोज आपको प्रोडक्ट दे देता और स्क्वायर का आपका सम दे देता, तो बच्चे डी कैंसिल नहीं होता, तब तो आप नॉर्मल टर्म मान ले आप ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी, तो तभी बच्चे प्रेफर करना आप मानना जब आपको दिख रहा है कि सम दे, क्योंकि तो सम में हमने ऐसे बच्चे टर्म्स को सेलेक्ट किया हुआ है कि सम लेते ही डी कैंसिल हो जाए। अगला लिखेंगे, इफ एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो, हटा दे एक्स क्यूब, ये बच्चे एक इक्वेशन दिए क्यूबिक गिवन आपको, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन एपी, इन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस। अब वो मुझे बच्चा देख के बताएंगे क्या क्या गिवन, कुछ बच्चा दिया गया है कि आपको, आप बताइए जरा, कुछ सम दिया हो उसमें, प्रोडक्ट दिया हो या सम ऑफ प्रोडक्ट उसमें दिया हो, बच्चा कुछ दिया है आप? देख के बताइए मुझे, मैम सम और प्रोडक्ट सम भी आपके पास बच्चा, प्रोडक्ट भी है ना, और सम ऑफ प्रोडक्ट भी है, सम ऑफ बच्चा प्रोडक्ट भी है, जब सब कुछ तो है। अच्छा बताओ मुझे सम कितना होगा इस इक्वेशन में, आप सम निकालेंगे सम कितना है, सम इज इक्वल टू बच्चा ऐसे याद करो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू बच्चा जीरो, यहाँ पे सम ऑफ रूट बचा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट मीन्स ये लिखा है अल्फा बीटा, ये जिसके रूट बचा अल्फा बीटा गामा है, सो दिस इज इक्वल टू बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हियर इट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा व्हिच इज इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, इट इज इक्वल टू बच्चा सी बाई ए, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मीन्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बच्चे गामा जो कि कितना होगा नेगेटिव ऑफ सी बाई ए, सी नहीं आपका डी बाई कॉन्स्टेंट कम बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ये तो हमारे जनरल फॉर्म में लिख लिया है हमने, जिसको बच्चे नहीं पता है वो नोट कर लेगा इसको। अब देखो सम बच्चा पता है ना, लिख देते हैं हम लोग सम ऑफ रूट्स, पहले देख लेते हैं बच्चे क्या क्या गिवन है, देन हम टर्म्स को मानेंगे। आपको बच्चे सम ऑफ रूट पता है, बोलिए अभी कितना होगा इक्वेशन देखिए, ट्वेल्व ट्वेल्व, वेरी गुड। सम ऑफ प्रोडक्ट को बच्चे छोड़ो, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम दो इक्वेशन का यूज करके बच्चे शायद फाइंड कर लेंगे, मैम माइनस बच्चे ट्वेल्व ना, नेगेटिव बाहर रखा है देखो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ट्वेल्व, ठीक है बच्चे, उसका जो बी है वो माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ऑफ माइनस ट्वेल्व हो जाएगा आपका ट्वेल्व। ओके मैम, अब नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट बच्चे कितना होगा 28, देखो होगा क्या, ठीक यस मैम, है प्रोडक्ट भी है हमारे पास तो, ठीक है अब सम पता है बच्चा, टर्म्स को क्या लोगे,
ए माइनस डी, ए प्लस डी, जो सम बचा है हमारे पास तो ले लीजिए। लेट टर्म्स बी, ये टर्म्स बचा नहीं, आपको रूट ले लेना ना, लेट रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, लेट रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बी कितना ले ले, ए माइनस टू, ए ए प्लस। अब बच्चे आपको देखो इक्वेशन वन में सम दिया है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट दिया है, तो आपको पता है ए माइनस टी ए ए प्लस इज इक्वल टू बच्चे ट्वेल्व, एट ए माइनस टी ए ए प्लस टू इट इज इक्वल टू ट्वेल्व। फाइंड कैसे होता है ये मुझे कॉमन डिफरेंस है। हम ए इक्वल टू 4। ए इक्वल्स टू फोर, वेरी गुड। मुझे डिफाइन करना, बताइए कितना होगा। ए इक्वल्स टू फोर, वेरी गुड। डी बताइए बच्चे कितना होगा। डी इज इक्वल टू वन। इक्वेशन टू का बच्चे यूज करो, ए की वैल्यू पुट डाउन करो उसमें, डी रिगार्डिंग प्लस प्लस और माइनस 3। माइनस, वेरी गुड। बाकी सब, बाकी सब बच्चे बताइए सेम आ रहा है। बोलिए। यस मैम। वेरी गुड, मुझे कॉपी कर लो, किसी को डाउट यस हो तो मैम। मुझे बोलिए। डाउट है बच्चे किसी को, क्लियर है ना सबका। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और बच्चे करेंगे उससे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज डिवाइड 32 एंड 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, विच आर इन एपी सच दैट रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:50, इज 7:50। बच्चे कह रहे हैं आपको कि आपको एक नंबर दिया है 32, मतलब सम बच्चे 32 है टोटल, 32 को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और बच्चे 4 के 4 पार्ट्स आपके एपी में होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कह रहा है कि एक्सट्रीम्स और मीन्स का जो प्रोडक्ट का बच्चा जो रेशियो है वो 7:50 है, वो 7:50 है, तो बच्चे फाइंड करो। बच्चे एक्सट्रीम्स और मीन्स पता है आपको, सबसे पहले तो आपको बच्चे पता है सम दिया है, तो लेट फोर पार्ट्स बी, लेट फोर पार्ट्स बी चोपड़ा, वेरी गुड। ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी, तो आपको बच्चे पता है जो आपके बाहर वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स या मीन्स, बोलो।
एक्सट्रीम बचा होते हैं ये लोग। अच्छा अंदर वाला ये थे मीन्स क्वेश्चन पढ़ा होगा ना आपने। अब देखिए जरा, एक तो आपको बच्चा सम गिवन है, एक आपको रेशो गिवन है। तो रेशो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इट मीन्स ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी डिवाइडेड बाय ए माइनस डी इंटू बच्चा ए प्लस डी। ये दिया है आपको कितना? सम रेशो ऑफ टी। तो बच्चा सम से ए निकल जाएगा आपका, देखिए जरा। ठीक है, ये बच्चा क्या आंसर? 4a = 32, a इज इक्वल टू बच्चा 8। तो यहाँ पे आपको दिया है 8 8 का बच्चा 64 माइनस 9d² डिवाइडेड बाय 64 माइनस d² इज इक्वल टू 7 देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 d² इज इक्वल टू बच्चा 64 इंटू 7 माइनस 7d². ठीक है, कैलकुलेट करिए अभी। तो देखिए जैसे उसका कुछ आंसर आ गया, वहां से जब तक आंसर देंगे सब बाकी सब पल्लवी वेरी गुड। बच्चे आप चेक करो कुछ मिस्टेक हो गया, स्वयं वेरी गुड, चपरा वेरी गुड, आपको ये हो जाएगा आपका कितना? 960 माइनस, फिर आपको बच्चे करना है कितना? 15 × 9, 59 से बच्चे होता है 135, 64 × 7 इट इज इक्वल टू बच्चा 748 माइनस 70। ठीक है, इसे बच्चे इधर लेके आइए, इसे इधर लेके जाइए, तो हो जाएगा 960 माइनस 448 इज इक्वल टू बच्चा 135d² माइनस 7d², है ना? ये कितना हो जाएगा? 5.2 इज इक्वल टू 135 माइनस कितना बचा? 7, 128। ठीक है, अब डिवाइड कर ले। फोर फोर आ रहा है, वेरी गुड। तो d² इज इक्वल टू बच्चा 4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब बच्चा प्लस 2 लोगे ठीक हो तो नंबर्स आएंगे आपके 8 माइनस, नंबर देख के आएंगे, वन सेकंड, 8 माइनस कितना बचा? 3 2 6 हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 बचा और 8 प्लस नंबर्स बचा रहे 2 6 10 40। जो बच्चे माइनस भी लोगे तो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, 14 10 6 6 हो कॉमन डिफरेंस 4 है आपका। क्योंकि कॉमन डिफरेंस बच्चे यहाँ पे 2d है, है ना? तो डी टू आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4। तो 2 प्लस 4 बचे से 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 40। देखो बच्चे क्लियर है क्या? तो सपोजिशन में जब टर्म्स समझ आए तब आपको सेलेक्ट करना है। टर्म्स को बच्चे सपोज कब करेंगे आप? जब आपको सम बच्चे गिवन होगा, है ना? सम बच्चे गिवन, देखो वैसे भी आप मानेंगे तो कोई बच्चा फर्क नहीं पड़ता है, पर अब हम लोगों को इसी बच्चे तभी पड़ता है जब उसने क्या दे दिया हो आपको? सम दे दिया। क्योंकि सम देने से बच्चा क्या होता है? आपका ये कैंसिल हो जाता है डी, तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिल जाती है। बच्चे जैसे ही हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिलती है हम लोग क्या करते हैं? आपका डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बच्चे कॉपी कर लो। यस मैम। डन मैम। चलिए
अगला बच्चा हेडिंग डालेंगे अर्थमेटिक मी एम, अर्थमेटिक मी। यस मैम। देखो बच्चे एम आपको क्या होता है, आपको दो नंबर्स के बीच बच्चे फाइंड करना हो या आपको मीन्स बच्चा इंसर्ट करना, है ना। मीन देखो आप पढ़ के आते हैं ना स्टैटिस्टिक में, मीन एवरेज आपका, तो ऐसे अभी आप मीन का बच्चा थ्री टाइप और पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन बिटवीन बच्चा टू नंबर्स, है ना। हम एक सिंगल मीन आपका इंसर्ट करने के ट्राई कर रहे हैं, तो पोस्ट बच्चे लिखेंगे, फर्स्ट लिखिए एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने बच्चे मान लिया है कि आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो ए है ना, हमने लिखा है एफ, मान लिया हमने ए कैपिटल ए बी आर एन ए, जहां पे बच्चा एपी है, ए क्या है आपका, ये एम बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो देखो थ्री टर्म से बच्चा आपको आता है कि आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑलवेज बच्चा सेम होगा, है ना। सो वी नो दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू बच्चा बी माइनस ए, है ना। ए को एक साइड लाइए, टू ए इज इक्वल टू कितना बच्चा ए प्लस बी, सो ए इज इक्वल टू बच्चा होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं बच्चा ए एम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वन बी टू ए प्लस, तो ये बच्चा होता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, है ना, या ए एम ऑफ टू नंबर्स। देखिए क्लियर है क्या? यस मैम। अब नेक्स्ट बच्चे आते हैं, अभी देखो क्या किया आपने, ए एंड बी के बीच में सिर्फ एक ही मीन को इंसर्ट किया। अब बच्चे वो क्या करता है आपसे, कभी कभी बोलेगा आपको कि फोर मीन को इंसर्ट किया, फोर एम्स को इंसर्ट करो या फाइव एम्स को इंसर्ट करो या बच्चा एन एम्स को इंसर्ट करो। देखो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा एपी आपको क्रिएट करनी है, तो यदि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बच्चा दे दे तो आप पूरी एपी क्रिएट कर सकते हैं सब लोग। यदि मैं बोलूँ किसी बच्चे एपी का फर्स्ट टर्म थ्री है और कॉमन डिफरेंस बच्चे मैं बोल रही हूँ कि फाइव, तो आप एपी बना देंगे पूरी, बच्चे बन जाएगी एपी, है ना। क्या करेंगे आप, फाइव 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 बच्चे ऐड करते जाएंगे। यस मैम। तो आपको पता है एम्स बना रहा है वो, तो आपका ये सब एपी में बच्चे ले रहा है। तो सेकंड बच्चे हेडिंग इसमें पुट करेंगे एम बिटवीन या एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, सेकंड डालिए सेकंड सब हेडिंग बच्चा एन ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब आपको जो दिया है फर्स्ट टर्म ए दे रहा है और ये बच्चा बी कह रहा है, कह रहा है इसके बीच में आपको एन ए एम इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूं बच्चा ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन अप टू बच्चा ए, हमने एन ए एम इंसर्ट कर दिया। अब यदि बच्चा हम लोगों को डी का आइडिया हो जाए, देखो यदि कोई हम लोगों को डी बता दे तो हम पूरी ए पी बता सकते हैं आपकी, हम ए वन ए टू ए थ्री ए एन बच्चा कोई भी हमसे पूछेगा हम लोग आंसर दे सकते हैं, यदि हम लोगों को डी बच्चा समझ आ जाए तो। यस मैम। है ना। अब डी बच्चा कैसे लिखाएंगे, फर्स्ट थिंग आप मुझे बताएंगे कि टोटल बच्चा टर्म्स कितने लिखे हुए हैं, ए से बी तक कितनी टर्म्स है आपके, n plus 2 n plus 2 वेरी गुड। देखो n टर्म्स बचा ये एक ये रहे एक ये रहे, तो आपके पास बचा n plus 2 टर्म्स, है ना। और बचा b कौन है, b आपके है p n plus 2 तक,
आपको बच्चा टीएन निकालना आता है, तो सेम आप टीएन, आपको पता है ना बच्चा क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू बच्चा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी एन प्लस टू बच्चा क्या हो, ए प्लस कितना एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, लेट डी बी कॉमन डिफरेंस। देखो जरा ये क्लियर है क्या बच्चा, यहाँ पे जब एनथ टर्म था तो यस एन आता, जब एन प्लस टू तो बच्चे टर्म है तो एन प्लस टू आएगा, हम लोग तो एन को बच्चा रिप्लेस कर लेते हैं। ये कौन है बच्चा, ये तो बी है, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितना हो जाएगा एन प्लस वन इंटू बच्चा डी हो जाएगा। यहाँ तक कुछ देख के बताओ, किसी को डाउट हो तो क्लियर यस मैम है। तो बच्चा डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। अब बच्चे डी आपका निकल गया तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ए वन बच्चे कौन होगा, ए प्लस डी, ए टू आपसे बोले तो बच्चा ये है ए टू प्लस ए प्लस टू डी, ए एन बच्चे बोलेगा हमसे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी। ओके बच्चे यहां तक पहले देखिए, बाकी किसी को डाउट है। नो मैम दोबारा देखिए बच्चे, कॉपी कर ले जिन लोगों को समझ आ गया, जिन लोगों को बच्चे नहीं आए देख लीजिए मैं बता दूँ। देखो आपको बच्चे nth टर्म पता होता है, टी एन, टी एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है जब आप टी फाइव निकालते हैं तो कितना होता है, ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी होता है। मैं कह रही हूँ आपको टी एन प्लस टू टर्म निकालो, क्योंकि बच्चे फर्स्ट है ये सेकंड थर्ड ऐसे चलती जाएगी, तो आपकी क्या है एन, देखिए यहाँ तक है एन प्लस वन एन प्लस टू टर्म, ये हो जाएगा कितना ए प्लस एन की जगह कौन आएगा एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, और ये कौन है बी, बी इज इक्वल टू बच्चा ए प्लस टू माइनस वन होता है वन, एन प्लस वन इंटू डी। इधर बच्चे लेके आएंगे बी माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, तो डी बच्चे कितना हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। देखो अभी क्लियर है क्या, यस मैम ठीक है। अब अगला लिखेंगे, कॉपी हो गया सबका? यस मैम ओके। अब बच्चे नेक्स्ट डालेंगे, देखो आपने एम बच्चे आप एक दिन सर्व कर सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बच्चे जितना वो बोलेगा उतना एम आप वापस सर्व कर सकते, क्योंकि आपको बच्चे फॉर्मूला मिल गया है ना। हम लोगों को क्या करना है, सर बी बच्चे फाइंड करना है और देन क्या करना है आपको वैल्यू बच्चे निकालना है। अगला बच्चे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड नंबर, सम ऑफ एन एम्स, देखिए जरा चलो सम ऑफ एन एम्स का मतलब क्या है, आपको एम बच्चे पता था ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन, ये थे बच्चे आपके एम्स हैं। तो आपको कह रहे हैं बच्चा सम ऑफ एन एम्स, इसका मतलब आपसे मांग रहा है बच्चा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ऑन, आपको बताइए मांग रहे हैं। तो देखिए सर ये बच्चा कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ये टोटल एम एन बाई टू ए वन प्लस ए एम होगा यस मैम है ना, और ए वन बच्चे कौन है ए प्लस डी, और ये बच्चे आपका ए प्लस एन डी, तो ये कितना हो जाएगा टू ए। देखो जरा यस मैम है ना, आप बच्चे आगे लिख सकते हैं या बच्चे यस इतना ही याद मैम रखना,
से क्या था क्या लोग एन एम को बच्चे सम क्या होता है एन बी टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट लिख ले इससे पहले। और क्या लिख सकते हैं बच्चे, और कुछ तो लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, देखो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। एन बाई टू इसे बच्चे क्या मिले, टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी लिख सकते हैं। देखो है ना बच्चे, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं बच्चा ये तो ए ही है, क्या ये बी लिखा हुआ है क्या? ये बच्चा बी है क्या? बी क्या था आपका? देखो जरा ऊपर, बी हमने ऊपर लिखा था। देखो बच्चा बी यही था क्या? यही था ना, तो यस मैम, क्या मैं से लिख सकती हूँ बच्चा ए प्लस बी बाई टू यस इनटू, मैम, है ना? तो ये बच्चा आपका सेकंड फॉर्मूला होता है। यदि आपको एन ए एम बच्चे इंसर्ट करा रहे हैं आपसे तो सिंपल बच्चे होते हैं क्या, जिनके बीच बच्चे इंसर्ट करा रहे हैं बाई टू इंटू बच्चा एन। और ये कौन है ए प्लस बी बाई टू? ए एम बच्चे ए एम है किसका, ए बी का। आपको मैंने लिखवाया था ना ए एम ऑफ ए एंड बी फर्स्ट वाला बच्चा कितना होता है ए प्लस बी बाई टू, है ना? तो ये हो गया बच्चा एन इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, एन इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये बच्चा आपका, हाँ बोलिए। मैम ये पार्ट समझ में नहीं आया, वो ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। अच्छा दोबारा मुझे करा लेती हूँ, दोबारा सकता है। ये बच्चे मैंने लिखा है एम बी टू, एक एक को बच्चे यहीं पे रखो इसे, ये सेकंड डे लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जरा डी बच्चे कॉमन आएगा तो डी कॉमन लेंगे, यहाँ पे कौन बचेगा बच्चे वन, और यहाँ पे देखो पहले ये लिख सकते हैं। देखो इतना बच्चे सही है। यस मैम, अब यहाँ पे देखिए बच्चा एम बी टू ए को मैंने ऐसे लिखा, अब ये जो होता है बच्चा ये थे, ये आपका बी है, बी है नहीं? ए यस मैम, प्लस बी यस मैम, हो गया आपका एन इंटू ए प्लस बी बाय टू। बच्चे से आप प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर सकते हो। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी बच्चे लिखवाया था, याद कीजिए जरा क्या लिखवाया था मैंने, कि बच्चा जो सम आपका जो स्टार्टिंग से आप टर्म लेंगे फर्स्ट और पीछे से बच्चे आप फर्स्ट टर्म लेंगे, कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी ना फर्स्ट क्लास में यस बच्चे मैम, मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई, तो आप उस प्रॉपर्टी से बच्चे प्रूव कर लो। तो ट्राई कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था कुछ स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग से बच्चा लास्ट से फर्स्ट टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, है ना? उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप प्रूव बच्चे कर सकते। अभी ऊपर बच्चे रुकिए जरा दिखा देती हूँ, जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा है या याद नहीं है वो लोग देखिए जरा। मैंने उसको फिर आपको क्वेश्चन ही बच्चे कराया था, ये इनफाइनाइट ए बी द सम ऑफ टर्म
डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इट इज इक्वल टू बचा ए प्लस एल, इट इज इक्वल टू बचा ए प्लस एल. तो इसका यूज करके बच्चा आप ट्राई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक. तो अभी उसको दोबारा आते हैं बच्चा जहाँ पे हम लोग हैं. बाकी उसे जब प्रॉपर्टीज एपी के लिखाओगे तब भी मैं आपको नोट डाउन करा. तो इतना हो गया है. तो ये क्या हो गया है एंड एम्स का सम बचे हो गया आपका ए प्लस बी बाई टू इंटू बचा या एन इंटू अर्थमेटिक मीनो ए एन बी एन इंटू अर्थमेटिक मीनो बचा ए एन बी. चलिए आगे देखिए. आगे मुझे आता है आपको कि यदि रैंडम नंबर्स दे है ना, आपको मैं बोल दूं कि अर्थमेटिक मीन निकालो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. तो मीन जो पढ़ते हैं ना बच्चा वही होता है. क्या होता है, सपोज मैंने आपको बोला फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन निकाल, तो सबसे पहले सबको ऐड करेंगे बच्चा और टोटल कितने हैं एन, तो एन से आप डिवाइड कर देंगे है ना. फॉर एग्जाम्पल देखिए जो लास्ट बच्चा होता है यदि एन टर्म्स में काम कर लें. सपोज मैंने दे दिया आपको फाइंड ए एम और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना, तो आपको ए एम निकालना है बच्चे वन टू थ्री अप टू एन. तो बच्चा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जब दो का निकालते हैं दोनों को ऐड करते हैं टू से डिवाइड करते हैं. अभी मुझे एन का निकालना है तो एन के एन को ऐड करेंगे और कितनी टर्म्स बच्चे आ गई है एन, एन से बच्चे डिवाइड करेंगे. ऊपर वाले का सम बताएंगे क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इट इज इक्वल टू वन एन इनटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय बच्चे है ना, और नीचे आपके कौन लिखा है एन, एन से बचा एन कैंसिल हो गया तो ये हो गया एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन डिवाइडेड बाय. अब मुझे बताइए आप लोग बच्चा अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो. बोलो मैम एन प्लस वन, एन प्लस वन बाकी सब देखो सम बचे कितना होता है उनका फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स क्या होता था एन इंटू एन प्लस वन होता था. डिवाइड बच्चे करेंगे एन से. देखो यदि आपको बोला है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स बच्चे इनका जो सम होता था वो होता था एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइड करेंगे आपके बाद एन से, डिवाइड करेंगे आपके बाद एन से तो कितना हो जाएगा एन प्लस वन. ऑड को बताइए ऑड को बच्चे मैम एन एन क्योंकि वो बच्चे कितना होता है एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर बाय एन एन बच्चे हो जाओ. चल अभी बच्चे क्वेश्चन लिखिए अगला. अभी एम इंसर्ट करना हम लोग एग्जाम्पल से बच्चे सीख लेते. क्वेश्चन आपको बच्चे गिवन है क्वेश्चन लिखेंगे इंसर्ट इंसर्ट 11 एम्स बिटवीन बिटवीन 28 एंड 10 एंड 28 एंड 10 एंड ऑल्सो फाइंड एंड ऑल्सो फाइंड 8 एम 8 a decreasing ap bacha 28 first term de raha aur 10 last term de raha keh raha 11 a insert karne hai aise
और 8th बच्चा एम पूछ रहा है, मतलब ये आपसे मांग रहा है, डिमांड बच्चा ये है कैसे? कर कितना बच्चा? अच्छा मुझे वो बताओ आप क्या बताएंगे आप मुझे, पहले वैसे बताइए मुझे कि ये कितना होगा। डी डी बच्चे क्या था, ये ए आपका ये बी है, तो डी इज इक्वल टू बच्चा कितना, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बच्चा एन प्लस वन, तो कितना आएगा 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एन बच्चे क्या है इसमें, एन बताओ मुझे एन क्या है, एन इज इक्वल टू वन, 11 या 13, एन बच्चे कितना है 11 या 13। मैम 11। 11 जितना बच्चा ए एम इंसर्ट करते हैं ना वही आपका एन होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल वाला बच्चा एन नहीं है, एन क्या है जितना ए एम आप इंसर्ट करते हैं, तो एन बचा है 11, तो ये हो गया 11 प्लस 1, तो इट इज इक्वल टू बच्चे -18 अपॉन कितना 12, इट इज इक्वल टू डिवाइड बच्चा कर लो 6 2 12, 6 3 18, -3 -3 बल्ब। शिप्रा वेरी गुड, ठीक है। अब आपको कह रहा है बच्चा 8 AM, तो 8 AM क्या होगा, ए प्लस बोलो मैम A+70। हाँ ये बच्चा मिस्टेक नहीं करना है। ए वन क्या होता है, ए वन बताओ, चलो मुझे ए वन बताइए पहले, ए वन A1 क्या ए होता है या A+ बच्चा डी होता है? मैम A+D मैम है। A+D A+D, A2 बच्चा क्या होगा, A+2D, यस मैम। तो A8 क्या होगा, A+8D। अच्छा क्योंकि A ये है फर्स्ट टर्म, ये A+D है बच्चा, 1 में D है, 2 में 2D है, 3 में बच्चा 3D है, तो N में क्या होगा, ND, 8 में कौन होगा, A+8D, तो ये हो जाएगा बच्चा 28 प्लस -3/2 इंटू बच्चा कौन निकालना है हमें 8, तो इट इज इक्वल टू 28 माइनस 12, इट इज इक्वल टू बच्चा 60, इट इज इक्वल टू 60। देखो बच्चा क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मुझे इसमें बच्चे बताओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपको क्या निकालना था, फाइंड 8 का। अब मैं आपसे बच्चे सेकंड पूछ रही हूँ, फाइंड सम ऑफ ऑल एम्स, बताओ बच्चे कितना। मैम -99। मैम माइनस 99। 99, ओके, बाकी सब सब लोग फाइंड किया करो। अच्छा फॉर्मूला अभी तो लिखवाया था मैंने, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, सम क्या होता है, N/2 A+B, एन बचा कितना 11/2, ए कितना आपका 28 प्लस बचा 10, इट इज इक्वल टू 11 इंटू, ये बचा कितना हो जाएगा 38/2, ये बचा 11 इंटू 90, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, टू मैम 209। 209। तो बच्चा ऐसे निकालोगे, देखो अभी तो ये फॉर्मूला लिखवाया ऊपर, तो सर्किल कर लिया आप लोग,
ऐसे तो भूल जाएंगे, तो सर्कल कर दो उसे, फॉर्मूले इसको मुझे हाईलाइट करके रखा करो, देखो बापरे में ये रहा, ठीक है। चले लेके आगे, यहाँ तक मुझे किसी को डाउट है? क्लियर नो मैम। है ना सबको? चलिए मुझे आगे लिखेंगे। बच्चे ये प्रूफ करके भी आपको आता है देखो, तो आप प्रूफ कर देंगे यदि आपको स्कूल में बच्चा क्वेश्चन दिया जाए कि प्रूव दैट सम ऑफ एन ऑल एम्स इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने प्रूफ बच्चे कराया ना, ए वन आपका कौन है, ए प्लस डी, ए एन बच्चे कौन है, ए प्लस एन डी, तो अलग अलग लेंगे बच्चा कॉमन लेंगे और बी को दिखा देंगे बी किसके इक्वल है, ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ठीक है, क्योंकि आरडीएस वगैरह मुझे प्रूफ करने के लिए दिया जाए, तो ऐसे मुझे प्रूफ करना है। आप नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो बच्चे, बिटवीन वन एंड 31 एम एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन, इंसर्टेड इन सच ए वे, इन सच ए वे that the ratio of 7 and m minus 1 number is 5:9, find m. क्या कह रहा है बच्चे, 1 और 13 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट कर रहा है, एम ए, मतलब ए वन ए टू एंड सो ऑन बच्चे, ए ये इंसर्ट किए हैं, और आपको साथ में कंडीशन भी बच्चे दी है कि 7 और m-1, तो नंबर का रेशो है वो 5:9 है ना, मतलब आपको दिया है ए 7 एंड ए m-1 इज इक्वल टू बच्चे 7/m, ये 5/9, 5/9, ठीक है। सबसे पहले मुझे डी निकाल, डिफाइन करेंगे डी इज इक्वल टू बच्चे कितना होगा, 31 minus 1 upon m plus 1, ये बच्चे कितना होगा 30 upon m plus 1 होगा, डी बच्चे क्लियर है? यस मैम। अब आपको बच्चे निकालना है ए 7 upon m minus, ठीक है। ए 7 कितना होगा बच्चा, ए प्लस कितना डी मैम, 7d। वेरी गुड, और नीचे बच्चा कितना आएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू बच्चा इज इक्वल टू 5/9, ए बच्चा आपको पता है ए तो 1 है, डी की वैल्यू बात करें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे कर लेते हैं, तो ए प्लस 1 + 7d डिवाइडेड बाय 1 + m-1 इंटू बच्चा डी इज इक्वल टू 5/9, यहाँ तक बोलिए पहले क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर बच्चा डी की वैल्यू, देखो जरा इट इज इक्वल टू बच्चा 9, 7 9 = 63, डी इज इक्वल टू 5, ये बच्चा हो जाएगा 5 m-1 इनटू बच्चा डी वाले बच्चे एक साइड और आपका कांस्टेंट एक साइड, तो 9 - 5 ये बच्चा आप लिख दे, 9 - 5 इज इक्वल टू 5 m-1 - बच्चा 63 कॉमन आपका डी,
तो 4 इज इक्वल टू 5m माइनस 5 माइनस 63 इनटू 32. 4 इज इक्वल टू 5m माइनस 50 कितना आएगा 68 और d आपको कितना दिया बचा 30 अपॉन m प्लस. देखो जरा ठीक है. अब अच्छा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व कर. टू से कट कर ली चाहिए से 2 2 4 बचा यहाँ पे 15 आ जाए. एम फाइंड करके बताएंगे मुझे कितना आ रहा है. एम मुझे फाइंड करके बताओ अभी. भाई यहाँ तक डाउट है किसी को? नो मैम. बच्चे सॉल्व करके हम बताइए कितना होगा. बोलो बच्चे बोलेंगे एम का वैल्यू. कैलकुलेट बच्चे करो उसे कैलकुलेशन रह गया एम इज इक्वल टू हो जाएगा. यस मैम 14. वेरी तो बोलिए बच्चा एम में किसी को प्रॉब्लम है? एम में किसी को भी बच्चा प्रॉब्लम है? नो मैम नो मैम नो मैम सबको ओके. बच्चे आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपका यहीं से बच्चा स्टार्ट करेंगे. अभी आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे आपका जीपी स्टार्ट हो जाए. ठीक है.